Hello friends, today we are going to discuss about what are debentures. Debentures की अगर मैं meaning की बात करूँ तो first thing company को या किसी भी business को finance की ज़रूरत रहती है, पैसों की ज़रूरत रहती है. वो पैसे उन्हें मिलने के बहुत सारे types हैं कि उन्हें यहाँ यहाँ से पैसे मिल सकते हैं. One example is shares. शेयर्स चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, दोनों यहाँ पे काउंट होते हैं. नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम बैंक, वो चाहे तो बैंक में जाके लोन ले सकते हैं. तो थर्ड वन इज डिबेंचर्स. डिबेंचर्स का अदर नाम अगर मैं कुछ बोलूँ तो इट इज़ बेसिकली लोन फ्रॉम पब्लिक. यहाँ पे आप लोन ले रहे हो तो आप किससे ले रहे हो? बैंक से ले रहे हो. बट अगर वही लोन आप आम जनता से लोगे, दैट इज़ पब्लिक से लोगे, तो उसे हम डिबेंचर्स का नाम देते हैं. सो बेसिकली इट इज़ नथिंग डिफरेंट देन द बैंक लोन. थोड़ा डिफरेंस है बट मेजरली इसका मीनिंग वही है कि इट इज़ बेसिकली अ लोन विच इज़ टेकन बाय अ कंपनी फ्रॉम द पब्लिक. जैसे अगर बैंक लोन की बात करूँ तो बैंक लोन बैंक फ्री में तो देगा नहीं, इसके ऊपर क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट. वैसे ही डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स जो आपको देंगे पैसा वो फ्री में नहीं देंगे, उसके लिए वो क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट. अच्छा, बैंक लोन आप ज़िंदगी भर अपने पास रख सकते हो क्या? तो नहीं, आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी इसको कंप्लीट रीपेमेंट करना पड़ेगा. वैसे ही डिबेंचर्स भी आप ज़िंदगी भर अपने पास नहीं रख सकते हो, इसको भी हमें वापस देना पड़ता है. इसे हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो जब आपने इशू किए होंगे डिबेंचर्स तो इसे हम बोलेंगे कि हमने कर्ज़ा उठाया है, हमने लोन लिया है. और जब आपने किया रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो हम बोलेंगे कि हमने लोन चुकाया है या ख़त्म किया हुआ है. इस बीच, ये दोनों सिचुएशंस के बीच में 5-6 साल का टाइम जाएगा. आप इशू करोगे 1 साल में, उसको 4-5 साल के लिए यूज़ करोगे और 5th या 6th ईयर में आप उसको मोस्टली रिडेम्पशन या लोन चुका दोगे. इस बीच में आपको हर साल डिबेंचर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा, वो रहेगा इंटरेस्ट, जो कंपनी के लिए क्या बन के आएगा? कॉस्ट. तो इशू के भी एंट्रीज अलग होते हैं, हर साल का इंटरेस्ट का एंट्री अलग होता है और रिडेम्पशन के एंट्रीज बिल्कुल अलग होते हैं. और इशू ऑफ डिबेंचर्स करते वक्त आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं. आइदर आप उसको एट पार इशू कीजिए, एट प्रीमियम इशू कीजिए या एट डिस्काउंट इशू कीजिए. हमने देखा है कि हम लोग इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, इट इज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 13. तो शेयर्स इशू करने का 2 ऑप्शन है, पार और प्रीमियम. बट डिबेंचर्स इशू करने के 3 तरीके हैं, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट. जो इक्विटी शेयर्स लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो डिबेंचर्स लेंगे उन्हें हम बोलेंगे डिबेंचर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स ये इंटरनल लोग हैं, ये ओनर्स हैं, इनको मिलता है डिविडेंड. डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट इंटरनल पीपल, दे आर एक्सटर्नल पीपल. इट्स एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, दे आर बेसिकली द आउटसाइडर्स और उनको आपको कंपल्सरीली इंटरेस्ट पे ही करना पड़ेगा, आप उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो. पार प्रीमियम डिस्काउंट का मतलब है कि 100 रुपीज़ का डिबेंचर आपने 100 रुपीज़ में दिया. प्रीमियम का मतलब है 100 रुपीज़ का डिबेंचर आपने 120 में इशू किया. या डिस्काउंट का मतलब है आपने 100 रुपीज़ का डिबेंचर से फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज़ में इशू किया. तो इशू करते वक्त आप 3 तरह से इशू कर सकते हो. वैसे ही केस देता हूँ मैं रिडेम्पशन में. रिडेम्पशन में भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, एक पार, दूसरा प्रीमियम, तीसरा डिस्काउंट. मतलब जब लोग पैसे लेने को आएंगे या जब आप उनका लोन चुकाओगे तो आप उनको 100 रुपये के बदले 100 रुपये दीजिए, 100 रुपये के बदले 120 रुपये दीजिए या 100 रुपये के बदले 90 रुपये दीजिए. ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं. बट क्या आपको लगता है कि लोग 100 रुपये की चीज़ के लिए आपसे 90 रुपये लेके जाएंगे और खुश हो जाएंगे? जी नहीं. आपको रिडेम्पशन करते वक्त ये ऑप्शन अवेलेबल मार्केट में नहीं है. आप रिडेम्पशन करते वक्त सिर्फ 2 ही पार्ट्स में कर सकते हो, आइदर पार और एट प्रीमियम. सो ड्यूरिंग इशू वी हैव 3 ऑप्शंस, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट.
During redemption we have only two options, par और premium. तो main चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि debentures ये एक होता है एक तरह का loan which is taken from the general public. जैसे आपके shares general public लेती है वैसे debentures आपकी general public लेगी. Loan है तो इसका repayment करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं redemption. इसको आपको हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इसमें आपका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये कंपलसरी पे ही पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग, इशू करते वक्त तीन ऑप्शन से पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट, रिडेम्पशन करते वक्त दो ऑप्शन से ओनली पार एंड प्रीमियम. सो अगर इसको जब समराइज करूँ तो डिबेंचर्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ शेयर्स बिकॉज ये भी एक तरह का सिक्योरिटी है एंड सम सॉर्ट ऑफ बैंक लोन, दैट इज़ ये एक तरह का डिबेंचर एक तरह का डेप्ट है, एक तरह का लाइबिलिटी है किसी भी कंपनी के ऊपर. थैंक यू.